अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल है कि कोई बदनसीब ही होगा जो इस वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुछ निशानियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एक, ये है हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर मुबारक। तो आप एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिए, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर दो, ये है हजरत फातिमा की घर की चक्की, जिससे कि पहले के जमाने में आटा वगैरह बनाया जाता था, जो हम रोटी खाते हैं ना, वो इसी चक्की से बनती थी पहले। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर तीन, ये वो पहाड़ी है जहाँ पे कुरान पाक नाजिल हुआ था। कितने खुशनसीब हैं हम जैसे लोग जो इस चीज का हम दीदार कर रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर चार, ये है हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नंबर पाँच, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार फजर की नमाज अदा की। सल्लू अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कितनी प्यारी चीज है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर छह, ये वो जगह है जहाँ हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। इसे मस्जिद अक्सा भी कहते हैं, अल्लाहु अकबर। इसके दीदार करने से ही हमारे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल जाएगा। ये है हजरत बीबी फातिमा का घर मुबारक, जो की मदीने में है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी चीजें आपको बताई। नंबर सात, ये वो जगह है जहाँ पे कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई, जिसे हम गारे इरा कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस चीज का भी दीदार करने के लिए हम जैसे लोग तड़पते हैं। नंबर आठ, ये अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मजार अकदस है। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपने जितनी भी निशानियां देखी, ये निशानियां देखने के लिए एक सच्चा और पक्का इंसान जो होगा, सच्चा मुसलमान, वो इस चीज को देखने के लिए तड़पता होगा। आज हमने ऐसी चीज का दीदार कराया जिसको देखने से ही हमें पता नहीं कितना ज्यादा सवाब मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप फालतू की वीडियोज को बहुत ही ज्यादा शेयर करते हो जिसमें कुछ भी नहीं होता है। ये एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी अपने करीबी लोगों को इन सारी चीजों का दीदार कराएंगे, तो आप सोचिए, आपकी वजह से अगर कोई एक शख्स भी इसका दीदार कर लेगा तो उसको कितना ज्यादा सुकून मिल जाएगा और आपको भी कितना सुकून मिलेगा। जिंदगी का कोई पता नहीं है कब खत्म हो जाए, कब आ जाए, हम रियल में इस चीज को देख पाए या ना देख पाए। तो दुनिया पे आए हैं तो इस चीज का दीदार, चाहे हमारे फोन के जरिए हो रहा है या किसी के भी जरिए हो रहा है, पर हो रहा है। तो हमें चाहिए जितना हमें मिला उतना दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को दिल खोल के शेयर कर दीजिए, अल्लाह तबारक बताला आपको इसका अजर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज की दो वीडियो, एक सुबह 11 बजे और एक शाम में 5:30 बजे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आप लोगों से दिल से गुजारिश है, हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और रोज की दो वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं सलमान मलिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।